गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? आपके लिए नाश्ता बन रहा है। अच्छा जी, नाश्ते में क्या बन रहा है? नाश्ते में बन रही है आपकी फेवरेट अंडे की भुर्जी और पराठे और चाय। चाय आपका। इनसे इतना मना कर रहा, मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, बस सोना सजा हो गया। सब बाजी लग चुकी है मेरे नाश्ते में। ओहो, बच्चों की कितनी शोर की आवाज़ आ रही है। लिबा को देखो ऐसे टर 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 टर। तो वो बुला तो रही है कि मुझे लेने आ जाओ भैया, आ जाओ। एक भैया भैया, अरे वो ले जा रहा है ना, आ रहा है, ऐसे नहीं करो। ओनी भी उसका भैया है, उसे खुद बुलाया है, हाथ पकड़ के जा रही हैं, ऐसे थोड़ी जा रही हैं। अब जाओ, चढ़ जाओ, जाओ। बाय। अरे हाँ, आ रहा, तुम इधर आ जाओ, नाश्ता करो। आ रहा, थप्पड़ मार दूंगी, नाश्ता करो। नाश्ता आ रहा। अच्छा आ जाना, अभी वो सारे के सारे एक साथ है ना। अच्छा अच्छा हाँ, वो नहीं करती रहूँ मैं बस में, मुझे कोई काम तो है नहीं। सब भाग गए। ऐसे ही होता है, ये अभी बच्चों ने पता नहीं क्या कर रखा है, बच्चों ने पता नहीं क्या कर रखा है कि एक लय होगी। हाँ जी, ये देखने में कितनी टमटिंग, कितनी बढ़िया, कितनी मज़ेदार लग रही है। एक्चुअली अपू ने बाजी को बुला लिया है, बाजी अपू के पास चली गई हैं, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। बाजी, मैंने अब वो जो मैंने पहले बनाई थी ना कि तुम बना रही हो, अब मैं एडिटिंग करके कह दूंगी मैं बना रही हूँ। ठीक है, अपना नाम कर लूंगी। सही है ये बात? तो मैं अब तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। लॉलिता आ जाओ, लॉलिता आ गई, लॉलिता आ गई। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी करती मेरे साथ, ये दिन कहाँ बीते पता नहीं चले, है ना। हाँ भाई, ये दिन बहुत अच्छे। और एक बहन के जाने का दिन नज़दीक आ गया, आज अनु जा रही है, कल इंशाल्लाह हम जाएंगे। बैक टू द पवेलियन। तो जाते ना बड़ा, जाने के नाम से मुझे पता नहीं क्या होता है, और बस ऐसी है, शायद सभी सभी लड़कियों को होता है ना। अरे तो मैं यही बता रही थी कि जाने के नाम से तो पता नहीं क्या हो जाता है मन में, ना अजीब सी धुक 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 होती है मुझे, तो शुरू से ही होती है और आज तक भी होती है। ऐसा नहीं कि मुझे अपने घर पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग को पता है ना मेरी कुछ आदत सी है कि मैं जहाँ होती हूँ ना वहीं की होके रहती हूँ। जब मैं सासरी में होती हूँ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, 1 साल हो गया मुझे सासरी में, मतलब आज के टाइम पर कौन लड़की रहती है, हर लड़की को रहता है माई के भागो माई के भागो, लेकिन फिर मैं रहती हूँ, ये सबको पता है। मेरे घर में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन जैसे फंक्शन वगैरह भी कुंडे की दावत है, मैं नहीं आती, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, कहने का मतलब ये। और जब मैं आती हूँ, अभी भी आप लोगों ने देखा मम्मी की वजह से, तो मम्मी को ही, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और थोड़ा सा मन ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो फिर बीच में मम्मी ने ही चक्कर चलाया तो कि आना हो गया। और जब मैं आई थी, आप लोगों को पता कोई ऐसा फंक्शन वंक्शन का था नहीं, अब वो मम्मी बेटियों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। मम्मी को रखवाना तो था रोज़ा, लेकिन अभी जैसे हमने जल्दी ही रखवा लिया, 1 हफ्ता 7वां रोज़े पे रखवा लिया, मैंने मम्मी लास्ट के रोज़े में रखवाती हूँ, तो तब आते हैं इंशाल्लाह, मतलब रोज़े रखवाती तब भी आते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब फिर डे डे के लिए आते, फिर रुकते नहीं, लेकिन अब तो माशाल्लाह रखने के लिए थोड़ा सा मिल गया। बाकी इंशाल्लाह आगे आएंगे, जब छुट्टियाँ पड़ेंगी बच्चों की तब भी आना है, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा खुश हूँ कि चलो अभी आना है, अभी ऐसा नहीं है कि फिर 1 साल की छुट्टी हो गई, बस यही थोड़ी सी दिल की बात है, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कर लूँ बातचीत। अभी नाश्ता ला रही है, नाश्ता करते हैं, अभी खाला आई हुई है ऊपर, नगमा की मम्मी हमारी खालू जिन्हें हम कहते हैं, वो आई हुई है, तो मैं जाइए तो भाई ने कहा नहीं तू पहले नाश्ता करके जा, हम सबका ऐसा हो रहा है, हम सब भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो अब मैं नाश्ता ही कर जाती हूँ और फिर उसके बाद ऊपर जाऊँगी, अगर वो होंगी तो आप लोगों को मिलवाऊँगी। ठीक है, मेरा नाश्ता आगे मैं दिखा देती हूँ।
दिस इज माई नाश्ता. कितना ज्यादा टेम्प्टिंग, कितना ज्यादा बढ़िया. अरे जो जिन्हें कहना होता है ना भाजी, उन्हें हर हाल में कहना ही होता है. अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा, सुबह उठते ही पढ़ लिया, मुझे इतनी जोर से मतलब गुस्सा आया. उसमें लिखा भाई आसिफ भाई हमेशा लेडीज में क्यों रहते हैं. हाँ अरे घर के दामाद हैं, हैं और हमारे घर में अगर लेडीज ज़्यादा हैं और उन्हें बुला रहे हैं रोज़े के अफ्तार में, उन्हें बुला रहे ये दुनिया कैसे भी नहीं ली जाती. मतलब अगर नहीं बुलाएंगे वो हो घर के दामाद को नहीं बुलाया, बुला लिया दामाद आ गया तो लेडीज, तो क्या वो लेडीजों के बीच में घुस के बैठे हुए थे? आपने उन्हें घुस के बैठे हुए देखा है? मैंने ये देखा है, जो जैसा होता है हाँ. उसे वैसे. अब इन्हें यही चीजों को ज्यादा ओवर करना है कि लेडीजों में घुस के बैठे. वो लेडीज नहीं, वो उनकी माँ बहन है, तो जो माँ बहनों में बैठते हैं शायद उनके नहीं बैठते होंगे ना, उनको तवज्जो नहीं देते होंगे, तो वो जेलसी है उनकी ना, फ्रस्ट्रेशन है, जो वो ऐसे ना कमेंट बॉक्स में निकालते हैं. बहुत अच्छे से समझाया थी ये बात को, गलत चीज ऐसे नहीं बोलना चाहिए. बाकी सब अच्छा, लेकिन ऐसे अरे मतलब आप इतनी मतलब छोटी बात कर देते हो ना, फिर नहीं अच्छा लगता कोई भी चीज. और देखो भाई पहले भी मैंने बोला था कि हस्बैंड और बच्चों को लेके करते तो भी मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता. मुझे भी नहीं, मुझे भी सुबह सुबह पढ़ के बहुत जोर से गुस्सा आया. और फिर लास्ट में ये और कह देंगे बुरा मत मानना, इतनी बुरी बात कह रहे हो, अभी कहते हो बुरा मत मानना, बोलो ही मत. अब जिसके घर में कई बार होता है कि किसी 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 अच्छा, तो यानी कि जिन घरों में जैसे लड़के लड़के जेंट्स जेंट्स ज्यादा होते हैं उनमें बहने ना जाएं, फिर वरना वो कहेंगे कि लड़कों में घुस घुस के बैठ. मतलब तो भैया ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही बैठेंगे, क्योंकि उनके लिए अन्नू मिनाज हम सब हाँ बच्चे हैं उनके. और घुस के बैठना वो कहते हैं कि बिल्कुल अंदर घुस के बैठे हो, कहीं वो बेचारे सोफे पे बैठे. हाँ सुन भी लेंगे, अगर पढ़ भी लेंगे तो भी नहीं आने वाले. नहीं उनको मत बताना, मैं उनको नहीं बताने वाली, मैं बस लोगों से ही बोल रही हूँ कि बोलते हुए थोड़ा सा बस देखा करें कि कोई किसी का भाई है, हस्बैंड है, कोई किसी का दामाद है, रिस्पेक्टेड दामाद, बेटा है, जो भी मानो. चलो तो अब नाश्ता कर लेते हैं ना, करो नाश्ता, करो, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, लिबू आओ, आओ नाश्ता लिबू, नाश्ता लगता है गोरे गोरे हाथों पे इस तरीके की मेहंदी बस लग जाए. वैसे तो वो फूल वाली भी बहुत प्यारी लगती है, ये भी बहुत प्यारी लगती है. आ गई मेरी परियां भी, आ गई तुम्हारी, मेरी परी नाश्ता कर ही रही है. देखो उसको, देखो चलाक को, वो पटरा दिख गया, उसके ऊपर चढ़ के आई. ओ हीरोइन आ जाओ, नहीं जल्दी आओ, पाठा पाठा, हाँ पटाई, हाँ पटाई, पाठा को कह रही है हाँ पटाई. ये रहा चुनू का पाता, आया उधर से चढ़ के ऊपर आओ, नाश्ता कर लो फिर घूमो जहां मर्जी है ना. ये पाठा देखो, कह ये पाठा देखो. हेलो मैडम, मुझे ना एडमिशन करवाना था. हेलो दीदी, मैं इनायत की मम्मी बोल रही हूँ, फिफ्थ बी में जो है, फिफ्थ ए में सॉरी. तो मुझे अपनी छोटी बेटी का एडमिशन कराना है, वो जून में 5 साल की होगी, अभी वो 4 इयर्स की है. ये खालू ने गिफ्ट दिया है उसमें भाभी को. ये दिया है अनु को. ओ मजे आ गए अनु, सूट्स मिल गए. अच्छा पैसे भी दिए? अच्छा 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 आ जाओ मम्मी, फिर ये आ जाओ भाई, आ जाओ, मम्मी भी दे रही हैं, ये मम्मी के गिफ्ट है. ये उज्मा भाभी के, ये बच्चों के. अरे बा आओ, वालेकुम अस्सलाम. उज़ैर अपना खाना खा रहे होंगे. उज़ैर क्या खा रहा है? अट्टी गोश खा रहा है. थैंक यू.
शुक्रिया। अच्छा विदा के टाइम पे दे देना, ठीक है। अच्छा ये आपके पति के? अच्छा और तुम्हारे कहाँ है भाई? मेरे की मैंने मसाला ले लिया है। अच्छा अपने आगरा से। ओह आयजा कितना नहीं देंगे। थैंक यू रानी, वेलकम आयजू। अरे बाहर ही निकलना, अभी रुक जाओ, चली जाना। आयजा को बहुत जल्दी, आयजा की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। वाओ आयजा, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, तो थैंक यू नानी। तो अनु ये आयजा ने इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है, फंक्शन पे क्यों नहीं बनाई थी? मुझे लगा तुम्हें तो पता नहीं क्या ही लगता है, तुम आगे पीछे इतने अच्छे अच्छे बनाती हो, फंक्शन में नहीं बनाई है। और इसकी तो चूड़ियां थी ना, बताओ। आयजा आप जा रही हो? कहाँ जा रही बेटू? दादू पास रहन दो ना, मत जाओ ना। हाँ क्या कह रही है? अंधेरे में जा रही है। अच्छा अंधेरे में। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, उसमें ट्रेन में अंधेरा। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। और हमारा गिफ्ट कहाँ है जो हमने अन्नू को दिया है? आई डोंट नो। आप अच्छा वो भी तो दिखाइए। हाँ मम्मा आप कोई बात नहीं, ये हमने अन्नू को दिया है। बाजी को कुछ और कह रही थी, मुझे यही चाहिए। हाँ मैं कह रही सूट ले ले, कह रही नहीं मुझे सूट नहीं चाहिए, बहुत है वो, मुझे ये चाहिए सनस्क्रीन। ये यही वाली यूज करती है, इसे यही चाहिए। तो अन्नू का रहता है सनस्क्रीन चाहिए थी मुझसे, अनु का रहता है जो उसको ज़रूरत की चीज़ रखती है ना, वो दे दो भैया। हाँ 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 मैंने कहा ले ले, मैं तो कल सूट वाली दुकान से मैंने इतना कहा, मैंने कहा सूट ले 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 ले, कह रही नहीं बहुत है। मैं ठीक है भैया, सही है सही है। आयजा आप अपनी जुगाड़ में लगी हुई हो? अब मेरा भी तो करो कोई ना। अब ये आप क्या कर रही हैं? क्यों बच्चे? अरे हो गया भाभी, उसी में हो गया। आप भी आना, आप भी हाँ। अरे हमारा इसको देखो, वो कैसे देख रही है नीचे खड़े होकर। देखो उसकी निगाह कहाँ पर है? आयजा की निगाह मुझे नहीं दी है नानी ने, मम्मा को दे दी है सब। आयजा लो, देखो आयजा की निगाह कैसे चल रही है। क्यों इनायत रखती है? हाँ वो भी तैयार नहीं हुई है। उजैन की खुशी के, उजैन की खुशी के ठिकाने नहीं होंगे। गजल को मिले ना 500 के। और तुम्हारी आयजू नानी में आ रही है, पैकेट नहीं मंगाया तुमने बड़ा? मम्मा को दे दो अब ये बच्चे, ये राउजर लो भैया, तुम अपने बच्चे को दे देना। ये है रिबा, ये आ रहा है।
ले लो बाबू नानी है ना और साथ में आपको भी दूंगी आज ही पहुंचा दे दी लो को बेटा मैं तो शिकायत तुम्हारी आ गई थी मैं तो सिर्फ ये आया था तुम देना है ना ये क्या हुआ कुछ नहीं हुआ क्या हो गया बच्चे ने ये आप और आपके लिए ना आप और आपके लिए ना ठीक है आप और अरे क्या जरूरत है कुछ भी नहीं दे रही मैं तो कुछ लेके भी नहीं बच्चों के लिए तो क्या बच्चों नहीं नहीं हमारे उसे कह रहा है आज तो हमारी मौज हो गई चलो मौज ही रखो हाँ तुम्हारी भी मौज हो गई है आज तो भी मौज हो गई आज तो आपने कुछ बोला ही नहीं हाय गाइस तो कराई नहीं सारे गाइस बोल रहे हैं हाय गाइस आज मूड सही है इनका अच्छा कुछ नहीं हुआ हाँ वो बिखर गई दिखा रही है ना बिखर गई अत्यधिक टांग ले वीडियो बन रही है आपका चलो चलो खा लो रोजा आपका नीचे मम्मी मैं फिर आई और फिर आपका खर्चा करा के जा रही हूँ मेरी बेटियाँ खर्चा क्या कराती है मुझे तो मजा आता है खैर खर्चा कराने में नहीं मैं दिमागी दिमाग में दोबारा की लिस्ट बना रही हूँ कि मैं दोबारा आऊंगी हाँ जी तो नहीं ये नहीं पहन जाओ तो मम्मी की पहन लो क्या है मम्मी को ठीक है रानी पहन पहन रानी पहन चलो क्या हुआ क्या कहा अनुबा जी ने एक बार मिल के हट गई अपना ध्यान रखो मिल के हाँ अपना ध्यान रखो दोबारा रो पीछे पड़ गई चलो चलो तुम क्यों रो रही हो भाई तुम्हें मौका चाहिए रोने का अरे बाबू रखेंगे सब है ना मेरा ध्यान रखने को अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह है ना ध्यान रखने वाला और फिर तुम वहां से मेरा ध्यान इतने अच्छे से रखती हो कि पूछती रहती हो अब आ जाने मिल ले अब तो ठीक हूँ आ जाओ चलो लाइक किस मुझे दे दे अब कुछ नहीं बचा मैं तो आपको जाने में लगे।